अब आपको क्या पढ़ना है, मूत्र की संरचना, मूत्र की संरचना। देखो कुछ बातें इसमें हम लोग समझे, तो जो मूत्र होता है कापी से कोई नहीं होता है सर, क्वालिटी होना चाहिए, समझ रहे हैं? कहो तो मूत्र की संरचना में कहोगे कि आखिर मूत्र जो होते हैं, मूत्र में क्या क्या उपस्थित रहते हैं, याद है क्या क्या उपस्थित है तो बताओ। देखो मूत्र में तो पहले ही जान जाओ कि 95% आपका जल होता है, 95% ऑफ द वाटर एंड 2% ऑफ द यूरिया, एंड जो पेशाब होता है वो अम्लीय होता है। पेशाब में याद करो, पेशाब में गंध भी आता है, जो पेशाब करता है तो महकता है, कभी कम महकता है लेकिन 2 घंटा बाद जाएगा तो महकता है, क्यों मालूम है? अमोनिया के कारण। देखो जब आदमी पेशाब करता है ना तो उस कंडीशन में यूरिया निकलता है, लेकिन 2 घंटे बाद यूरिया फिर किसमें बदल जाता है, क्यों बदल जाता है अमोनिया बताओ? वाह, यूरिया में निकलता थोड़े नेफरान जो वो था वो बदला, किडनी किडनी बदलने का कार्य करता है, यकृत भी बदलने का कार्य करता है, यकृत याद है, कृत तो है जो यूरिया को अमोनिया में बदलता है, ठीक है। तो जो मूत्र होता है उस समय वह तम भी कर रहे हैं, जल जल की मात्रा मूत्र में कितनी होती है बताओ? 95% अंग्रेजी बात करो, एंड यूरिया इज परसेंट ऑफ इन द यूरिन इज 2%, एंड अन्य पदार्थ, चलो हिंदी में बात करेंगे, अन्य पदार्थ 3%, माने अदर सब्सटेंस करते हैं। अब सुनो ये तो 3 माने आपके उपस्थित होते हैं, आपके पेशाब जो होता है, पेशाब का रंग कैसा होता है? पीला, किसके कारण? कितना तुम लोग अच्छे, कुछ खाओगे यूरोक्रोम के कारण, कुछ पियोगे बताओ? पेशाब में गंध आता है किसके कारण? अमोनिया के कारण। अच्छा पेशाब पीलापन बहुत होता है, देखते हो ना जब आदमी पानी नहीं पीता तो पेशाब पीलापन होता। हाँ अम्ल आपका बताओ, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? क्या अच्छा होता है आदमी पेशाब को देखता छी 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 का मतलब छो, बात समझे? छीन करता है ना, छी का मतलब छा होता है। और बताओ मूत्र अम्लीय होता है क्षारीय होता है? मूत्र का प्रकृति कैसा होता है, क्यों? एकदम सही बोला, ना पढ़ते हो तुम, चलो ठीक है। तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है ये भी लिख लो, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? जो मूत्र बन रहा हाँ ब्रिक में, किडनी में, चलो इसको नोट करो। तो कल अगर पूछे ऐसा भाई बात तो बता दोगे ना, नोट करो तुम सभी।